जिधर आप प्रेस मीट किया है, क्या इससे प्रेस मीट किया है? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का पांचवा नेशनल काउंसिल मीट बेंगलोर में होने जा रहा है। 9 जून से 12 जून तक देश की 29 राज्य के और 7 यूनियन टेरिटरी के 300 से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेने जा रहे हैं। आज मैं बेंगलोर प्रेस मीट में लोगों से बात किया, मैंने जिसने हमारे पार्ट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको इन्फॉर्मेशन दिया। ये एसोसिएशन का पांचवा नेशनल मीट है, इससे पहले 4 हो चुका है। पहला नेशनल मीट हमारा दिल्ली में हुआ था, दूसरा श्रीनगर में, तीसरा कलकत्ता में हुआ था, चौथा लखनऊ में हुआ था और पांचवा फर्स्ट मीट बेंगलोर में होने जा रहा है। भारत सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है और इसको जुलाई में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसको लेकर के हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें देश के कोने कोने से जो हमारे लोग आए हैं उसको डिस्कशन करेंगे और सरकार को हम लोग मेमोरेंडम देंगे। जो त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको हम लोग यूज़ करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से सरकार हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। उनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास अच्छे टीचर हैं। आज देश के गरीब तबके के लोग, मीडियम क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजते हैं, उनको विश्वास है कि प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे जाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन आज सरकार प्राइवेट स्कूलों को आगे ना बढ़ाने के लिए और साजिश कर रही है, लगातार कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रही है जिसका एसोसिएशन विरोध करता है। सरकार कहती है कि आप अपने स्कूलों में कैमरा लगाइए, आप अपने स्कूल में GPS लगाइए, आप अपने स्कूलों में अच्छे पानी का इंतजाम करिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए ही ये आदेश क्यों नहीं हो, सरकारी स्कूलों में भी इस तरह का आदेश दे रहे हैं, क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की चीज़ें मुहैया कराई जा रही है? इसका मतलब है कि देश में बच्चे जो हैं दो तरह के नागरिकता जी रहे हैं। एक बच्चे को सारी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल की तरफ से देने के लिए सरकार बात कर रही है और दूसरी तरफ जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको सरकार कुछ नहीं उनके लिए कर रही है। तो ये नहीं चलने वाला है, इसके लिए एसोसिएशन चरणबद्ध आंदोलन करेगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा आगे बढ़े। आज पूरे विश्व में भारत का नाम नंबर 1 पे इसलिए है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे दूसरे देश में जा कर करके परचम लहरा रहे हैं, क्योंकि हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो अपना जगह बना पा रहे हैं वर्ल्ड के पैमाने पे। आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को ये आगाह करेंगे कि देश की जो सोच है, देश की जो राय है, उसको सरकार को मानने के लिए। SYEDSHAMEEL AHMED, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन।